नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। बीकापुर बार एसोसिएशन के कई सदस्यों ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आदेशों का उल्लंघन होने से नाराज बीकापुर अयोध्या बार एसोसिएशन के कई सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा देकर सनसनी का माहौल बना दिया। मंगलवार को चले नाटकीय घटनाक्रम में उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आदेशों का हवाला देते हुए मौजूदा कार्यकारिणी पर यह आरोप लगाया गया कि 28 दिसम्बर तक कार्यकारिणी का चुनाव कराने संबंधी आदेशों को नजरअंदाज किया गया है, जिससे शुद्ध होकर वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य सदानंद पाठक और ब्रजेश तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले अधिवक्ताओं ने मौजूदा अध्यक्ष और मंत्री पर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि समय सीमा पर चुनाव न कर पाने की स्थिति में मौजूदा कार्यकारिणी का न तो कोई अस्तित्व होगा और न ही इसकी कोई संवैधानिक स्वरूप ही रह जाएगा। लाइव टीवी समाचार के लिए अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। पिछले महीने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एक पत्र प्राप्त हुआ था बार एसोसिएशन बीकापुर को। उस पत्र में साफ तौर से ये बताया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक आदेश किया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक रूपता के लिए एक साथ चुनाव कराए जाए। उस आदेश का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रशंसा की और उस आदेश की प्रशंसा करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी रजिस्टर्ड बारों को एक पत्र भेजा और उस पत्र में यह बताया कि 28 दिसंबर 2021 तक सभी जगह बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव संपन्न कराएं और 10 जनवरी तक शपथ ले लें। ये आदेश प्राप्त हुआ लेकिन उसका अनुपालन बीकापुर बार एसोसिएशन में नहीं किया गया है। इसके क्रम में यहाँ पर 50 से अधिक अधिवक्ताओं ने आज रजिस्टर्ड पत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा और ये कहा कि आप अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं, अन्यथा पूरे प्रदेश में आपके आदेशों का अधिवक्ता भी माकोल उड़ाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं। हम लोगों ने भी उसी के संदर्भ में पत्र भेजा और चूंकि मैं बीकापुर बार एसोसिएशन की जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसका सदस्य हूँ, इसलिए मैंने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया। कमेटी के जिम्मेदार लोग चुनाव नहीं कराना चाहते और मैं उस कमेटी का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे नैतिकता के आधार पर उस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।